ये बहुत ही क्रेजी रोड है आज का, एंजॉयड मजा आ गया। लेकिन पैसा एक अलग ही ये था एक्सपीरियंस, इतने फॉग में मैंने कभी राइड नहीं किया था भाई, जहाँ पे जीरो विजिबिलिटी है थी पूरी मजा आ गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेनी मेनी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी जो ना टाइम हो रहा है 8:26 और हम रेडी है अपनी राइड स्टार्ट करने के लिए। या आज धीरन जी या दो और एक जगह है पीछे बमडीला, तो वहाँ पे जाने का जो ना मेरा प्लान है, क्योंकि तवांग जो ना यहाँ से 321 किलोमीटर से, तो तवांग एक ही दिन में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट जाएगा ना ये पहाड़ों से होता हुआ जाएगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए धीरन या बमडीला में कहीं पर रुक स्टे करेंगे, देखते हैं कैंपिंग करने के लिए मिलता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो फिर से होटल में जाना पड़ेगा हमें। और मेरा लगेज तो अभी नीचे लेके चले गए, और बस अभी राइडिंग जैकेट पहनते हैं और यहाँ से जो है सीधा जाते हैं नीचे। और आज का रूट जो है ना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और जैसे जैसे जाएंगे ना आगे तो ठंड ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए मैंने एक ऑलरेडी ये जो है ना टी शर्ट है फुल हैंड, और उसके अंदर एक हाफ हैंड का टी शर्ट पहना हूँ, तो उसके ऊपर आ जाएंगी मेरी राइडिंग जैकेट, तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी मुझे। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से जो है ना अपनी राइड जो है ना स्टार्ट करते हैं। तवांग 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 सीधा तवांग का डालते ना, मैं इसलिए करंट छोड़े। यहाँ पे हो रहा है वीडियो अपलोड एक जगह पे, और दूसरी जगह पे या वो 223 किलोमीटर दिखा रहे हैं। चलो चलो भाई, तो भाई आज का अपना सफर शुरू हो गया ना। ऐसी भूख लगी है ना मुझे, कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, और उसके बाद में हम ग्लव्स पहनेंगे हाथ में, हल्का सा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा भाई। तो भाई आज का अपना ब्रेकफास्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया हुआ है, यहाँ पे छोले भटूरे। इसके आगे हम जाएंगे ना वहाँ पे, शायद पहाड़ों में जब जाएंगे तो ज़्यादा मैगी ही खानी होगी वहाँ पे। ब्लाउज भी पहन लेते हैं अभी, वीडियो अपलोड के लिए लगा रखा है लेकिन अभी तक वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ है ना। बिस्मिल्लाह, तो भाई यहाँ पे मैंने अपने कैन में फ्यूल अप कर लिया, और जितना अभी मेरे पास पेट्रोल है ना मैं तवांग में आराम से पहुँच पाऊँगा। अगर एक बार हम कैन फिल करते ना कहीं पे, शायद तवांग से मैं रिटर्न भी आ जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक कैन और चाहिए होगा तवांग से रिटर्न आने के लिए, और कहीं पे बीच में जब स्कूटर के अंदर से पेट्रोल ख़त्म होगा ना तब उसमें कैन में फिल कर दें, स्कूटर में एक बार फिल कर देंगे तो सही हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तवांग के अंदर तो क्या पेट्रोल पम्प मिलेंगे या नहीं, मिलने चाहिए ऐसे तो वहाँ पर पेट्रोल पम्प मिलने चाहिए, देखिए मिलेंगे पेट्रोल पम्प।
राइट नाउ मैं अभी आसाम में हूँ। अगर थोड़ा हम आगे जाएंगे ना एक 10 किलोमीटर्स के यहाँ पे, तो हम एंटर करेंगे अपने ऑल इंडिया राइट के 17th स्टेट अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे मैं रुका था ये निकालने के लिए ना, ये देखिए यहाँ पे झाड़ है, तो इसके लिए यहाँ पे रुका हुआ था। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे और आज एंटर करेंगे हम 17th स्टेट अरुणाचल प्रदेश। यूहू। तो भाई अभी हम जो है ना ऑफिशियली अरुणाचल में एंटर करने के लिए जा रहे हैं। ये जो है ना भूटान की व्हीकल है और यहाँ पे इन्होंने रोका था आर्मी वालों ने। हमको भी पुलिस ने रोक लिया ना। एंट्री करना है। हमारी यहाँ पे परमिट को जो है ना यहाँ पे बनाते हैं, और हमारा परमिट तो ऑलरेडी बन चुका था, बस हमने यहाँ पे परमिट शो किया। देखे ना फॉग ही फॉग है, आसमान दिख ही नहीं है और झाड़ फॉगों के अंदर चला गया है। इतने ऊपर भी जो ना यहाँ पे देखना एक गांव है भाई, मानना पड़ेगा इस गांव को, गांव वालों को। सो गाइस ये रूट देखे ना बहुत ही बढ़िया है भाई। ये देखिए साथ में आपका नाम सूरज। सूरज मैं यहाँ पे रुका हूँ ड्रोन उड़ाने के लिए, और भाई हमारे पास आ गए देखने के लिए कि कैसे उड़ा रहे हैं ड्रोन। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। अबे ऐसे घूमते हुए हम नीचे आ रहे, तो यहाँ से अभी पूरी चढ़ाई है ना, ऊपर कौन सा पास है? सिला पास। और अभी टाइम देखो 11:35 हो चुके हैं। बहुत ही क्रेजी व्यू है। मैंने निकाले थे पीछे वीडियो निकालने के लिए, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना हाथों को, बिना ग्लव्स के ना हम बिल्कुल भी यहाँ पे राइड नहीं कर पाएंगे भाई। काफी मजेदार है भाई रूट, सच बताओ ना। तो भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जगह थी, एंड थोड़ी देर हम खड़े रहे यहाँ पे ना, अब निकलते हैं यहाँ से भाई। मज़ेदार जगह है, हम अपने हेडलाइट भी ऑन कर लेते हैं, फॉग लाइट तो मैंने ऑन कर रखा है यार। एक बार देख लेते हैं, बैग मैंने बंद किया नहीं ना पीछे का, यस मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उसमें मेरा ड्रोन है दोस्त का, तो वो मुझे डर रहता है कि यार कहीं गिर जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैंने पोल भी यहाँ पे लगा दिया, ताकि ये मैंने यहाँ से शूट किया है बहुत सारे, लेकिन अभी इसमें एक बार शूट कर लेते ना कि हाइट में। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कि कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे, अभी 12:44 हो चुके हुए। ओहो दोनों सिम के अंदर नेटवर्क आ चुका है अभी। वहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा बोमडिला में, यहाँ से ठंडा ज्यादा है, यहाँ से ठंडा बोमडिला में ज्यादा है। ओके ओके, बर्फ भी गिरता है वहाँ में, वहाँ पे बर्फ भी गिरता है बोमडिला, ये एरिया जो फोक ज्यादा रहता है, यहाँ पे बर्फ नहीं गिरता, बर्फ यहाँ ज्यादा नहीं गिरता, यहाँ बोमडिला में जब बर्फ गिरता है तो यहाँ ठंड बढ़ जाता है, यहाँ फोक ज्यादा रहता है।
ओके ओके। एक दुकान बीच में यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे रुका था मैं चाय पीने के लिए। और ये थोड़ा ज़्यादा नीचे जाते हो उतना मुझे थोड़ा फॉग मिलेगा, उसके बाद उतना फॉग नहीं रहेगा। एंड बता रहे कि आज ही फॉग यहाँ पे हुआ, इतने दिन नहीं था। लेकिन बहुत ही क्रेजी रोड है आज का, एंजॉयड मज़ा आ गया। लेकिन पैसा वसूल, मैंने जो होटल को पे किया था ना, वो पैसा वसूल हो गया अपना। और एक पहाड़ देखना, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना। जैसे उन्होंने बताया था ना कि नीचे नीचे जाओगे तो थोड़ा 4-5 किलोमीटर के बाद फॉग कम होगा आपका, और वैसा ही हो रहा है। और ज़्यादा मैंने अभी तक किलोमीटर राइड नहीं किया, 5-6 किलोमीटर राइड किया हो गया अभी। और फॉग देखो कम कम हो रहा है पूरा, और हम नीचे उतर रहे हैं ना अभी पहाड़ी से। ओहो सामने घर दिख रहे सब अभी। हम भी अपना फॉग लाइट ऑफ कर देते हैं। मैं लद्दाख में राइड किया तब मुझे इतना ये नहीं हुआ, लेकिन ये एक अलग ही ये था एक्सपीरियंस। इतने फॉग में मैंने कभी राइड नहीं किया था भाई, जहाँ पे जीरो विजिबिलिटी है थी पूरी। मज़ा आ गया। भाई दिखने में जो है ना ये फ्लैग्स जो लगे हुए हैं ना बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। हम ऊपर से आ रहे हैं ना, इस जो सामने पहाड़ देखना ना, इस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं अभी। और भी थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पे तो कम्प्लीटली फॉग नहीं है, सिर्फ पहाड़ी के ऊपर है ना फॉग। यहाँ के घर नोटिस कर रहा हूँ, ज़्यादा करके जो ना लकड़ी से बने हुए। ये देखिए पूरी लकड़ी यूज़ किया गया है ना घर बनाने के लिए। ठंड जो है ना बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से दिरांग जो है ना अभी 40 किलोमीटर से एग्जैक्ट। मेरा पीछे जो ना अभी फ्यूल ये हुआ था जब मैंने कैमरा लगाया, उससे पहले जो ना बारिश आ रही थी हल्की हल्की, इसलिए जो ना मैंने कैमरा निकाल के अंदर रख दिया। मतलब ऐसी हल्का सा बारिश जो ना ये कर रहे थे, बारिश के बूंदे गिर रहे थे, तो कैमरा ख़राब ना हो इसलिए निकाल के जो ना उसको अंदर रख दिया था। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है ना। भाई फॉग आ रहा है सामने फिर से। कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। फाइनली हमको जो है दिरंग के अंदर कैंपिंग करने के लिए बढ़िया सा स्पॉट मिला, और मैंने आके जो है यहाँ पे कैंपिंग किया। यहाँ पे टेम्परेचर जो अभी नया 7 डिग्री है, रात को जो है ना शायद हो सकता है माइनस चला जाए टेम्परेचर। और बस अपन पूरी तैयार है माइनस के कैंपिंग करके सोने के लिए, और कल जो है ना यहाँ से हम निकलेंगे तवांग के लिए। और बढ़िया जगह जो है ना बहुत ही बढ़िया है, साइड में ही जो है ना नदी है। मैं कल आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पे कैंपिंग किया है तो दूसरे वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आज का जो है ना दिन जो है ना बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब ऐसे रोड के अंदर हमने राइड किया जैसे पहले इससे पहले कभी राइड ही नहीं किया था ऐसे रोड के ऊपर। फुल्ली ज़ीरो विजिबिलिटी थी और मज़ा आ रहा है ना राइड करने में बहुत ही ज़्यादा। और जैसे बमडीला जहाँ पे है ना वहाँ पे जो ना ज़्यादा ही ठंड थी, लेकिन यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन 7 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे।
तो कोई बात नहीं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो करना लाइक, और वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या चले तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी बढ़िया सी वीडियो के अंदर।